बसमिल क्या हाल है आपके सब ठीक ठाक हैं मैं तो खरीद से होंगी जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अब सदा पे से जैसे ही फ्री हो जाऊंगा उसके ट्यूटोरियल से तो फिर जो नया पे एक मोबाइल वॉलेट है मैं इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाऊंगा पूरी की पूरी और जितना मैं इसको आने वाले एक दो हफ्तों में टेस्ट करूँगा मैं सारा का सारा जो है आपसे लाइव वीडियो में उसको सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा तो अब हम सबसे पहले जी नया पे ओपन कर लेते हैं एप्लीकेशन दोबारा बताता चलूँ जी नया पे के अंदर ये ऑप्शन होती है कि ये एप्लीकेशन तब तक नहीं चलती जब तक आप जो है अपना लिखा हुआ इसके अंदर टू कंटिन्यू टर्न ऑन योर डिवाइस लोकेशन जब तक अपनी आप डिवाइस की लोकेशन का ऑन नहीं करते तब तक ये एप्लीकेशन जो है ना आपको कह लो कि लॉग इन तो कर देते लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते तो डिवाइस की लोकेशन इसके लिए ऑन करनी पड़ती है तो ये कैसा फ़ीचर है जिसका मैंने बार बार उनसे कहा कि इस फीचर के ऊपर जो है इसे कह सकते हैं कि शायद आप अपनी कस्टमर थोड़े से लूज़ कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई अपनी जो है लोकेशन डिवाइस की वो नहीं ऑन करते हैं मेरे कुछ ऐसे हैं दोस्त हैं कुछ कलीग्स हैं वो नहीं करते हैं मैं एक मैं बहुत बड़ी पर्सनालिटी को जानता हूं तो वो भी जो है अपनी लाइफ मोबाइल की जो डिवाइस की लोकेशन है वो उसका ऑन नहीं करते इवन वो शेयर भी नहीं करते ठीक है तो हर बंदे के एक अपना अपना पर्स्पेक्टिव और मैं खुद भी अगर कहूँ तो मैं भी शायद जो है ना लोकेशन जो है शेयर नहीं करना चाहूँगा लेकिन चले अभी मैंने आपको वीडियो जो है ट्यूटोरियल्स मैंने शुरू किए तो उसमें लिए मुझे मेरी मजबूरी है कि मुझे वो ऑन करनी पड़ेगी तो उसमें सबसे पहले जो एक इशू है जो काफी लोग पूछते हैं कि भाई हाउ टू कनेक्ट बैंक विद सदा पे मोबाइल अकाउंट या हाउ टू लिंक योर बैंक अकाउंट विद दिस सदा पे अकाउंट यानी सॉरी नया पे अकाउंट यानी कि अपना बैंक अकाउंट जो आया है वो आपने किस तरह लिंक करना है नया पे के साथ तो ये वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ कि नया पे में आपने किस तरह जो है बैंक अपना जो है अकाउंट है वो लिंक करना है तो ये देख रहे हैं आप सामने स्क्रीन पे लिखा रहा है जो लिंक बैंक अकाउंट ऐड मनी टू तो योर वॉलेट एंड पेमेंट मर्चेंट कन्वीनियंटली और आगे देख रहे हैं इसमें एक छोटी सी जो है ना वो चेन भी बनाएंगे तो आपने इस पर टैपन करना है अभी अनफॉर्चुनेटली ये लोग जो है ना ऑप्शन दे रहे हैं इस वक्त सिर्फ तीन ही बैंक के ऑप्शन दे रहे हैं कि बैंक है एच है या अमेजान आप इसमें से जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं मेरे पास अभी इन तीनों बैंक में से किसी भी बैंक का अकाउंट मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं अभी आपको वो नहीं दिखा सकता कनेक्ट करके लेकिन इसका तरीका बड़ा सिंपल है फॉर एक्जाम्पल अगर फैसल बैंक है आपका आप इस पर टैप इन कीजिए एंटर योर अकाउंट नंबर ठीक है नीचे उसने तरीका भी बताया हुआ है ठीक है ब्रांच कोड फोर डिजिट्स का होता है और उसके बाद आपका अकाउंट नंबर है वो आपका जो है जी बारह डिजिट्स का होता है लगभग आपका सोलह डिजिट्स का ये आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आपने यहाँ आप पे ऐड करना है आप ऐड करेंगे नेक्स्ट फिर कुछ तो वेरीफ़िकेशन करेंगे फिर आपका वो कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे लोड कर सकते हैं पैसे इसी तरह तो अगर आपका एच का अकाउंट है तो यहाँ पर जाके अपना अकाउंट नंबर डालिए ठीक है अगेन सिक्सटीन डिजिट्स का आपका अकाउंट नंबर है चार डिजिट्स का ब्रांच कोड है नहीं बारह डिजिट्स का आपका अकाउंट नंबर है एक सेकेंड ये फिर इसका कितना था हाँ इसका सोलह डिजिट्स का था हाँ मैं वही देख रहा हूँ ये क्या चक्कर है अच्छा फेसरल बैंक का जो अकाउंट नंबर है जी वो सोलह डिजिट्स का है जिसमें आपके अकाउंट नंबर बारह डिजिट्स का है और आपका जो चार नंबर का आपका ब्रांच कोड है तो बारह चार सोलह होंगे और जब हम ईच बी में आते हैं तो ईच बी का जो आपका अकाउंट है वो बेसिकली बारह डिजिट्स का बनता है जिसमें आपके फोर डिजिट्स के आपके ब्रांच कोड है जो भी उनका ब्रांच कोड होता है जिधर आपका जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वो आपको उनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा या फिर आप उनके फेसबुक में मैसेज करके पूछ लें उनसे वो आपको बता देंगे और फिर आगे आपका जो है जी अकाउंट नंबर वो आ गया एट का नहीं टोटल ला गया इनका बारह डिजिट्स का हो गया और उसके बाद अगर आपके पास ये मीज़ान बैंक है क्योंकि मीज़ान बैंक के साथ ना इनकी वेरीफिकेशन आपकी जो वेरीफिकेशन होनी है ना बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन वो मैं आपको भी बताऊँगा मैंने वो भी करा ली इसमें लिमिटिंग चीज कर ली वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं और इसके अंदर जी फोटीन डिजिट्स का इनका होता है तो सिक्सटीन डिजिट्स का जो है बैंक अकाउंट नंबर होता है आ, किसका था अपना फैसल बैंक का एच पी एल का बारह डिजिट्स का है और ये जो है मेजान बैंक इनका फोट फोटी डिजिट्स का तो आप यहाँ पे वो डिजिट्स नंबर डालेंगे अपने अकाउंट नंबर डालेंगे नेक्स्ट करेंगे कुछ तो वेरीफिकेशन आप पूछेंगे उसके बाद आपका जो है बैंक अकाउंट आपका लिंक हो जाएगा आपका नया पे अकाउंट के साथ इट्स वेरी सिंपल हाँ मुझे कुछ बच्चे ने कहा जी कि वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था मेजान का अकाउंट लेकिन कोई एरर आ रहा था लेकिन ऑब्वियसली वो यूट्यूब पर उन्होंने कमेंट्स में बताया था तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि क्या एरा रहा था आ रहा था तो फिर उन्होंने ये उनको सजेस्ट किया था कि आप इनकी हेल्पलाइन पे सदा भे वालों के सॉरी बार बार मेरे जहन से ना वो सदा पे सदा पे नहीं जा रहा था मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ सदा पे से तो इसलिए बार बार वो नया पे की जगह सदा पे बोल रहा हूँ लेकिन खैर अभी हम बात कर रहे हैं नया पे की तो आप नया पे की जो मैंने उनसे कहा था कि, कि हेल्प पे बात कर लीजिए या उनके फेस टू पेज पर बात करें उनको बताएँ क्या इशू है क्योंकि अगर उनके एंड से है तो वो इन शाला आप सोल्व कर लेंगे अदरवाइज फिर आपको बैंक से कनेक्ट कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये क्या चक्कर है इस तरह ठीक है और मिज़ान वालों की सर्विस अच्छी है ठीक है मैंने जो है आज कराई है बायोमेट्रिक तो मैं कहूँगा अच्छी सर्विस है तो दिस इज़ द सिंपल एंड कन्वीनियंट वे टू लिंक योर बैंक अकाउंट विद योर नया पे अकाउंट ठीक है ऑलियोनिट डोर्स वापस जाते हैं हमने इसे ओपन कर लिया नीचे लिखा रहे से सेंटर में लिखा रहा है लिंक बैंक अकाउंट आपने यहाँ पे जाना है अभी चूँकि शायद ये स्टार्टअप है तो उन्होंने स्टार्टिंग में सिर्फ इनके जो टाइप है वो तीन बैंक्स के साथ है एच बी एल के साथ है अमेजान के साथ है फैसो बैंक के हैं हाथ है गवर्नमेंट के किसी बैंक के साथ नहीं है तो आप ऐसे ही डायरेक्टली इनके टैप इन करो अकाउंट नंबर डालो नेक्स्ट करो वेरीफाई करो आपका हो जाएगा तो आपका बैंक अकाउंट इस तरह लिंक कर सकते हो नया पे अकाउंट के साथ आई होप आपको वीडियो में कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा बट स्टिल आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर योर कंसर्नज एंड क्यूरीज़ जितनी समझ मुझे है उस हिसाब से मैं आप लोगों को, को भी आगे गाइड कर दूंगा तो जो भी मसला अगर आ रहा हो और जिनको अगर कोई जो कह रहे हैं कि एरर्स वगैरह आ रहे हैं तो अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे वो स्क्रीन वो पिक्चर मुझे अगर स्क्रीनशॉट अगर मुझे शेयर कर देते तो मुझे समझने में आसानी हो जाएगी कि, कि एरर क्या आ रहा है ताकि मैं फिर उस हिसाब आप से आपको गाइड कर सकता हूँ कि भाई क्या आपने बैंक से कॉन्टैक्ट करना है या फिर आपने नया पे वालों से कॉन्टैक्ट करना है तो दोबारा लास्ट टाइम दोबारा फिर बताता हूँ कि हाउ टू लिंक योर बैंक अकाउंट विद योर नया पे मोबाइल वॉलेट इट्स वेरी सिंपल जस्ट क्लिक हेयर लिंक बैंक अकाउंट इन तीन बैंक्स में से जो भी आपका अकाउंट नंबर है अकाउंट है उसको जाके सेलेक्ट कीजिए अपना अकाउंट नंबर डालिए यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिए नेक्स्ट कीजिए कुछ वेरिफिकेशन पूछेगा आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका यह लिंक हो जाएगा तो आई होप आपको ये पहला टिटोरियल जो मैंने बनाया है वो आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन एंड कंसर्न जो है मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगेन वैल्यू एडिशन करना हम सब बस पाकिस्तानी अगर हम सब मुस्लिम्स का जो है ना पहला जो है ना अवलिन जो है ना हमारा फ़र्ज होना चाहिए तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग भी कोशिश कीजिए और जितना हम लोगों को सिखा सकते हैं जितना लोगों के काम आ सकते हैं हम सबको आना चाहिए अपना सरा ख्याल रखिएगा तो याद रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद